जितने सरकलम होते हैं ना, कहते पाकिस्तानी का सरकलम हुआ है, वो ही अफगानी होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आए हुए होते हैं भाई। अच्छा ये जो चोर की जो यहाँ पर हाथ काटने की सजा है, वो किस नोयत की चोरी है? चोरी चोरी होती है। मतलब मैं एक मिसाल, एक सर किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके भाग गया, चोरी काट देंगे, लेकिन आजकल हाथ नहीं कटते हैं। अब चोरी की सजा जो इन्होंने दी हुई है वो बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ, कत्ल की, रेप की, अगवा की, ठीक है ना, वो सर कलम पब्लिक में करते हैं, ताकि पब्लिक को इबरत हो, समझे आप, पब्लिक को इबरत होती है देखकर, खौफ होता है। बेटा पब्लिक चलती है ऐसी, पब्लिक सीधी रहती तभी है बेटा। अपने यहाँ जो बिगाड़ हुआ हुआ इसलिए हुआ हुआ है कि हाँ उसने सब कुछ किया, अदालत ने जाकर उसको बरी कर दिया आदम सबूत की बिना पर। यहाँ पे नहीं है ऐसा, चाहे सऊदी हो चाहे नॉन सऊदी हो, अगर उसका जुर्म साबित हो गया वो उसका सरकलम होगा। इमरान खान साहब से क्या उम्मीद है आपको? शायद फाइनेंशियली थोड़ा बहुत बेहतरी, थोड़ी बहुत बेहतरी आए, लेकिन दूसरे खराफात आएंगे। वो जो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग यूरोप की तरफ को, लोग यूरोप से जॉब करने आएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे माहौल में आएंगे जिंदगी के ढेर लगे हुए। ये दो साल गुजारने पर थोड़ी बात है, ये भी इसको लाए हैं खास काम के लिए, ठीक है ना। आर्मी अगर वो डायरेक्ट काम करती तो छुट्टी होती, तो ये पार्लियामेंट से उन्होंने वो काम करवाना है। वो काम क्या है कि एक बिल पास होना है में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने का, पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है ना अभी अपने यहाँ, इसको खत्म करना है। खत्म होकर जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा, जैसे अमेरिका का है ना, डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट को वोट देकर चुने, वजीर आजम, वजीर आजम की कहानी खत्म, पार्लियामेंट भी खत्म, वो उसका अपना एक जैसे अमेरिकन सिस्टम है ना टोटल, वो सिस्टम आएगा, वो बेहतर होगा इससे। ये काम आर्मी एक सेकंड में डंडे के दौर से करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चलने दिया, उनको जलील किया, दोनों को बदकसी फेल किया, हां दोनों को जलील किया, जरदारी को, नवाज जरदारी को, नवाज शरीफ को आवाम के सामने नंगा कर दिया टोटल, होगा बाकी हो, ठीक है ना, वो टोटल जलील कर दिया, चट्टा बट्टा खोल कर रख दिया इनका सबके सामने, ठीक है। एक इमरान खान को लेकर आए वो इस सेंस में कि उसका थोड़ा सा करप्ट नहीं है, करप्ट किस सेंस में नहीं, पैसे खाने के करप्ट में नहीं, करप्शन दूसरी उसकी होंगी, वो औरतों के चक्कर में खराब है, वैसे पैसों के चक्कर में खराब नहीं है, ठीक है, इसलिए उस बंदे को लेकर आए। और उसी से अब ये उसकी इसी पार्लियामेंट से आप देखना ये बिल पास होगा कि जो है पाकिस्तान का 73 का आइन जो है उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे, चेंजेस करेंगे, और उसको जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से उसको चेंज कर देंगे किसमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो सारे फैसले फिर से होंगे। फिर वो प्रेसिडेंट जो चाह तो वोट, अभी आप जिसको वोट देते हो भाई वो तो जाकर किसी से मिल जाता है, याद कर लिया उसने किसी से भी जाकर, आपको पता ही नहीं वजीर आजम का कौन बनेगा। उस वक्त आप डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को वोट दोगे, आप, आपको पता होगा कि ये मैं इसको हेड बना रहा हूँ, ये पाकिस्तान चलाएगा। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, ये एक छोटा सा कुआं है, और इस कुएं की जो हिस्ट्री है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये मैयत को जो गुस्ल दिया गया था वो इस पानी, इस कुएं के पानी से दिया गया, ठीक है। नॉर्मली ये लोग जो है ना वो बहुत कम लोगों को ये जगह पता है, ज्यादातर लोग जो है ना वो नहीं आते यहाँ पे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश की थी अपनी जिंदगी में ही, एक दफा वो इसी जगह से वापस आ रहे थे, हजरत अली और दूसरे लोग भी उनके साथ थे, हजरत अली से उन्होंने जो है ना ख्वाहिश का इजहार किया था कि जिस टाइम मेरी डेथ हो मुझे इस पानी के इसे गुस्ल दिया जाए, लेकिन ये लोग पता नहीं, हाँ ये ज्यादा लोगों को
मैंने उसका नाम लिखा है ना बीर गर्स, गर्स वेल। उस्मान देख लियो और ये मीरे घर देख लो, ये नॉर्मल यही जगह है मदीना के अंदर जिनपे किया जाता है, देखते हैं ये ज्यादा नहीं दिखाते इस जगह को। Thank you.